देखिए, मैं प्रेम कुमार, सबसे पहले तो गंगा समा गईली सागर में, ये जो टाइटल है गंगा और सागर, गंगा नदी जब सागर में समा जाती है तो उसका एक नाम हो जाता है गंगा सागर। और उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई प्रोड्यूसर उसको लेके आगे बढ़ता है तो यकीन मानिए, जब ट्रेलर तक फिल्म पहुंच गई है और फिल्म जब दर्शक तक पहुंचती है तो सही मायने में गंगा सागर का दर्शन करना वो कहलाता है। और हमारे प्रिय ही मित्र हैं, अनुज हैं, भाई हैं, राजेश उपाध्याय जी, जिन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरे दिलो जान से तकरीबन 1-1.5 वर्षों से इसके ऊपर मेहनत करते हुए, पूरी एक नई अच्छी टीम को तैयार करते हुए, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर, जो खाटी भोजपुरी क्षेत्र है वहाँ से निकलकर, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में, आप तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार अक्सर रोज कवर करते हैं भोजपुरी सिनेमा को भी और बॉलीवुड को भी, आप देखिए चूंकि फोक लैंग्वेज है लेकिन अस्तर कहीं ना कहीं गिर जाता है और सिर्फ रोमांटिसिज्म के चक्कर में हम फिल्म का लेबल और उसकी डिग्निटी है और सोसाइटी को ना समझ के बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसे ऐसे मटेरियल डाल देते हैं जो आफ्टर ऑल डैमेज करती है सोसाइटी को। लेकिन ये फिल्म जो है टोटली यूनिक है। राजेश उपाध्याय जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने पूरी दिलो जान लगा दी। और सबसे अच्छी बात है इसकी जो डायरेक्टर है आयुषी भाटी, मतलब हम बॉलीवुड में जानते हैं, हॉलीवुड में जानते हैं कि लड़कियां फिल्मों को डायरेक्ट करती हैं, लेकिन भोजपुरी में जिस कंटेंट और संदर्भ के साथ पिछले 1.5-2 दशक से सिनेमा बनती चली जा रही है, आप लोगों से बाहर नहीं है, आप लोगों की कलम और कैमरे दोनों उसको कैद करती हैं। ये आयुषी भट्ट का भी एक क्रिएटिविटी है, हमने भी ट्रेलर देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया है, उसके अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग एंगल को, अलग अलग अप्रोच को गंगा से सागर तक पहुंचाने का काम इस फिल्म में राजेश उपाध्याय, जब उनसे मेरी बात हुई कि कितनी मेहनत उन्होंने की है, लोग अलग अलग तरीके के आरोप लगा देते हैं कि भाई सिनेमा बनाने आया है कि क्या करने वाला है, क्या कर, क्योंकि जब सपनों को साकार कर पर्दों तक पहुंचाना ये बहुत कठिन काम है, इस कठिन यज्ञ को उन्होंने छेड़ा, सिनेमा बनाना जो मन की कल्पना है उसके चलचित्र में ढाल कर पर्दे के पास दुनिया के लिए परोस देना, ये आसान काम नहीं होता। आयुषी भाटी ने, राजेश उपाध्याय ने और तमाम कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को वो गरिमा प्रदान की है कि भोजपुरी जगत में मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और नवोदित प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का हौसला और भी बढ़ेगा और सिनेमा अच्छी, इतनी अच्छी बिजनेस करे कि ये राजेश उपाध्याय के हौसले को और बढ़ाए, उनके माता पिता का सर ऊंचा करे और जिस जिले से, चूँकि ये फिल्म का उन्होंने बैनर ही रखा है राजेश फिल्म बक्सर, बक्सर बैटल ऑफ बक्सर से हम लोग जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, बड़ा एक ऐतिहासिक जगह है, इतिहास की मिट्टी से निकलकर, ऐतिहासिक धरती से निकलकर एक सिनेमा बनाने का सपना संजो कर एक गरीब किसान का लड़का एक साधारण परिवार से निकलकर लोगों को जोड़ते हुए एक सिनेमा का रूप देना, वो भी इतनी अच्छी सोच के साथ कि गंगा समा गईली सागर में, कि गंगा सागर में पाप धोते धोते जब सागर में वो समा जाती है तो हमारे राव के जीवन का असली कल्याण वहाँ हो जाता है, वो तर्पण वहाँ होती है। और इस भाव के साथ उन्होंने फिल्म बनाई है। राजेश जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके माता पिता को और उनके सभी संगी साथियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इनके साथ हौसला बढ़ाने के लिए इनका हिम्मत बढ़ाया, इनके साथ फाइनेंशियली खड़े रहे, ताकत दी। और राजेश ने इसमें अभिनय भी किया है, बहुत अच्छा अभिनय है, मैंने देखा है ट्रेलर में जो झांकी मुझे नजर आई है, कहते हैं चावल का एक दाना ही पूरी बिरयानी का स्वाद बता देती है, तो राजेश की जो प्रस्तुति है सिनेमा में वो बहुत कुछ बयान करती है। और आज आप इतनी सैकड़ों की तादाद में जो मीडिया कर्मी आज इसे कवर कर रहे हैं, आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि उभरते हुए इस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और हीरो को ये गाते भी हैं कि आप इन्हें इतना अच्छा मौका दें, अपने कैमरे से, कलम से इसके हौसले को इतना बढ़ाएं कि आने वाले दिनों में ये दूसरी भी सिनेमा बना सके, ताकि ये टीम इसी तरीके से संलग्न रहे और जब दोबारा यहाँ हम लोग बैठें तो राजेश उपाध्याय की दूसरी सिनेमा, दूसरी फिल्म के बारे में चर्चा करें। गोली और बोली उन्होंने एक नाम फाइनल किया है, टाइटल फाइनल की हुई, कन्फर्म की हुई है कि इसको रिलीज करने के बाद, चूँकि रिलीजिंग के कगार पर आ चुकी है, अब इसे
डेट भी घोषित हो चुकी, रिलीज होने वाली है। इसके बाद गोली और बोली इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी आप सबों के बिहाफ से मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हौसला दे, हिम्मत दे, कितनी अच्छी फिल्म की यात्रा को गंगा समागेली सागर में बिल्कुल ये सागर की तरह विशाल होते चले जाएं। और फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से यश चोपड़ा ने एक कीर्तिमान रचा, बी आर चोपड़ा ने रचा, और भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, असंख्य लोगों ने, ये भोजपुरी सिनेमा से इन्होंने अपने जीवन और करियर की शुरुआत की है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बड़ा काम करें और बड़ा नाम रोशन करें, ना सिर्फ बक्सर का, ना सिर्फ बिहार का, ना सिर्फ पूर्वांचल का, ना ही सिर्फ भोजपुरी जगत का, बल्कि एंटायर जो फिल्म फैटर्निटी है सिनेमा जगत का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम मीडिया कर्मियों को भी मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देते हुए इस पावन मौके पर आप कवर करने के लिए आए, मैं बधाइयां देता हूँ राजेश जी को और पूरी फिल्मी टीम को। हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म बक्सर जो हमने अभी ये ट्रेलर देखा, बहुत प्यारा ट्रेलर है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और प्रेम भाई ने तो इतना बहुत कुछ अलौकिक शब्दों में कहा, तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बात नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एक्सप्रेस सो मच वेल, बट व्हाट आई सॉ इन द फिल्म, उसके अंदर कंटेंट्स काफ़ी है। और एज अ प्रोड्यूसर किसी बंदे को खड़ा होना, एक कन्विक्शन होना चाहिए एक सब्जेक्ट के अंदर, और सारा उन्होंने एक्टिंग भी की है फिल्म में, तो ये सारी चीज़ें इसके मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है ये फिल्म काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पाएगी। और इट हैज़ गॉट ऑल द रिलेटेड कंटेंट्स, और क्योंकि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि फिल्म बनाना कितना मुश्किल है और एक कितनी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन अगर अपने सब्जेक्ट पे अपने को अगर सही कॉन्फिडेंस है तो आई थिंक इट कैन वर्क वंडर्स। और आने वाले दिनों में मुझे बहुत उम्मीद है मिस राजेश से, जो एक किसान के बेटे होने के बावजूद इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया है और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेके इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है। माय गुड विशेस टू मिस्टर राजेश उपाध्याय एंड एवरीबॉडी कनेक्टेड विद द मूवी। थैंक यू। सुबोध जी ने अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे दिग्गजों को लेकर फिल्में बनाई हुई है, और आप इनको ऐसी शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में ये भी भोजपुरी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं राजेश जी को, आने वाले दिनों में वो ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स करने के लिए आज हिम्मत चाहिए, क्योंकि गंगा समागेली सागर में सागर, ये जो टाइटल है ये काफ़ी यूनिक टाइटल है। और आज की तारीख में जो हमारी एक्शन फिल्में और सारी जो फिल्में बन रही है, जिस हिसाब से सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट लेके एक फिल्म बनाना एक वाकई में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इतना बड़ा मैं रिस्क तो नहीं बोलूँगा, एक कॉन्फिडेंस जताया है सब्जेक्ट के ऊपर, और ये फिल्म बनाई है। और ऐसी अच्छी फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मिट्टी से जुड़ते हैं और जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। राइट। आप कितना भी अच्छा फिल्म बनाओ, बहुत कितनी भी बड़े बजट की फिल्म बनाओ, लेकिन अगर उसमें मिट्टी की खुशबू नहीं है, तो आई थिंक इट विल नॉट वर्क एनी वंडर्स। तो मुझे यकीन है कि फिल्म का मैंने जो अभी ट्रेलर देखा है उसके अंदर मैं देख के कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है, और लोग ज़रूर आए इसको और गिव देम उनको देखे पिक्चर को और उनका हौसला बढ़ाए। मैं ये कहना चाहता हूँ वही हैं, हमारा शौक भी वही है, हमारा जीवन भी वही है। मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद एक बात कहना चाहूँगा, हम तमाम आगंतुक न्यू कमर्स जिसको बोलते हैं, चूँकि मैं भोजपुरी फिल्मों में काम करता रहता हूँ, तो उस नाते भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने न्यू कमर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि वक्त जो सृष्टि है, सृष्टि का जो नियम है, हम आते हैं धीरे 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 लुप्त हो जाते हैं, एक न्यू जनरेशन उसको फिल करता है, फिर वो लुप्त हो जाता है, ये सदियों से या सृष्टि की ये प्रक्रिया है। मैं सबसे पहले नए आगंतुकों का दिल से स्वागत करता हूँ। अब आता हूँ ट्रेलर पे। देखिए, कोई भी मेकर्स अपनी तरफ से वो पूर्णतः बेस्ट देने की कोशिश करता है। मुझे इस फिल्म का ट्रेलर ने प्रभावित निश्चित किया है, और हमारे निर्देशक महोदय ने एक बेहतर सिनेमा देने की कोशिश की है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसमें हमारे नए हीरो हैं, नई हीरोइंस हैं, कैरेक्टर कुछ किरदार भी वो सब नए नए हैं, दर्शकों को नया ज़रूर लगेगा, लेकिन वो नए आएंगे कब,
दिन आएंगे और एक अच्छी क्वालिटी के साथ। ये फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा, एक क्वालिटी बहुत बेहतर है, अच्छी अच्छा अभिनय है, अच्छे गाने हैं, फाइट भी अच्छा है, एक सब्जेक्ट भी चुनिंदा है जो दर्शकों को प्रभावित करेगा, पसंद आएगा, मुझे लगता है काफ़ी प्रभावशाली है। बहुत अच्छी फिल्म है, नो डाउट। अभी विपिन भी अच्छे से बता रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ इस तरह से पारिवारिक फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके डायरेक्टर जो हैं आयुषी जी, नई हैं और यंग हैं, बड़ी अच्छा कोशिश किया उन्होंने सिनेमा को बनाने का। और डायरेक्टर हैं राजेश जी, तो जितना भी अभी तक हमने देखा ट्रेलर में, मतलब एक अच्छी फिल्म लगी, मतलब ऐसा लगा कि हाँ दर्शकों को कुछ नयापन मिलेगा। आर्टिस्ट नए हैं लेकिन आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो सब मिला जुला के एक अच्छा फिल्म बनी है और एक अच्छा ट्रेलर जो है अभी हम लोगों ने देखा है। और हमारी तरफ से शुभकामना है इनको कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो और एक आगे चल के और भी सारी फिल्में बनाएँ। बहुत अच्छा लगा ये, चूँकि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, मैंने इसमें काम किया और सारी शूटिंग इसकी बक्सर में हुई थी, बिहार में। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इस काम को पूरा किया था पिछले साल और बहुत मेहनत की है राजेश ने, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं इसमें। और इस सब की कोशिश है, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सबका डिवोशन चाहिए, सबकी मदद चाहिए। और बीइंग एक्टर, चूँकि मैंने भी इस फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया, तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी चलनी चाहिए, ऐसी दुआ करता हूँ। अपने अपने भूमिका के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों? हीरो जो है उसका मैं बड़ा भाई बना, दोनों का पैरेलल रोल है इसमें। हमारे फिल्म के जो तिवारी जी जो हैं उनके, मैं मतलब उनका अपना ओन ब्रदर जो होता है, बड़ा भाई वो हूँ। और मतलब ये कि एक गांव की कहानी है, एक किसान की कहानी है और कहानी बहुत अच्छी है। अब चूँकि अब फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ पे है, तो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म देख के लोग इंजॉय करें और इसको पसंद करें। बाकी सुफियान जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुफियान कपाड़िया है और मैं फिल्म एक्टर हूँ। बॉलीवुड में मेरी पहली फिल्म आ रही है बैचलर पार्टी, और अभी हमने राजेश जी की जो फिल्म का ट्रेलर देखा गंगा समा गईल सागर में, बहुत ही कमाल का ट्रेलर था। और ट्रेलर देखने के बाद ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी फिल्म बनाई है इन्होंने। और मैं राजेश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। पापा उस फिल्म में है, हमारे ससुर हैं, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ कि ट्रिम ये जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी कमाई करे और बहुत अच्छा नाम करे। थैंक यू सो मच। कोशिश की गई है और मेरी शुभकामना इनके साथ है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करे ये फिल्म, बस शुभकामना देने ही मैं आया हूँ दरअसल यहाँ पे। जी, फिल्म के जो डायरेक्टर है, मेरे ख्याल से पहली बार कोई निर्देशक है महिला, उनकी पहल के लिए क्या कहना चाहिए? जी, मेरी भी उनसे पहली मुलाकात 3-4 दिन पहले हुई थी उनसे, किसी दोस्त के थ्रू ही उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो अच्छा लगा कोई महिला निर्देशक आ रही है। भाई हर क्षेत्र में अग्रणी है महिलाएं, तो इस क्षेत्र में भी एक कमी थी वो भी पूरी हो गई, तो मेरी हार्दिक शुभकामना उनके साथ है। जी, हमने हमारी पहली फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, जो हम लोगों ने पहली फिल्म की थी, उस फिल्म में एक गाना है, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ये हमारी पहली फिल्म का पहला सॉन्ग था जिसे उदित जी ने गाया था, बहुत बखूबी गाया था उन्होंने, जो कि काफ़ी हिट रहा। बस कोशिश जारी है, अभी हमारी काम चल रहे हैं सारे। इस फिल्म की पूरी टीम को क्या शुभकामनाएं? बस जो आपने कहा कि एक महिला निर्देशक आई है
और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग आ रहे हैं, महिला निर्देशक भी आ रही है, तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छा प्रतिसाद मिले, ताकि और हिम्मत करके और भी एक दो अच्छे काम करें वो भी। मेरी हार्दिक शुभकामना तो है उनके साथ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे देखिए क्या होता है, ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने हमारा 100% ट्राई किया है कि सभी को ये मूवी पसंद आए। और ये एक लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है या बहन बेटी, इन सब के ऊपर डिपेंड है। देन हमने इसमें बहुत सारा मसाला डाला है एंड देखते हैं अभी क्या होता है, आगे पब्लिक पसंद करेगी, आई होप सो पब्लिक पसंद करेगी। जी मैम, मैम मैं तो सबसे पहले यहाँ पे जितने सर लोग आए हुए थे मैं सबको चरण स्पर्श करता हूँ और पूरे पूरे मीडिया समाज को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए मैम, मैं ये फिल्म बनाया तो इसमें एक होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब फिल्म बनाते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम्स उनके ऊपर होता है, सबको लेके चलते हैं वो, और मेरे साथ भी सेम वही हुआ। फिल्म बनाए, लोगों ने लाखों बातें बोली हर किस्म के, तू ये फिल्म बना रहा है तू सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने फैमिली पे, अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद पे बहुत भरोसा था कि मैं इस फिल्म को पर्दे तक लाऊंगा और आगे क्या होता है ये तो मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ और पूरे पब्लिक पे छोड़ता हूँ कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मैं एक गाना रखा हूँ बेटी के ऊपर, बेटा के ऊपर, उस वो गाना मैं आपको थोड़ा सा थीम वाइज सुना रहा हूँ। बेटा के भैला पबाजे लथरिया, बेटी के बेरी काहे होला मोह करिया, बेटी हो कैसन भागे तोहार। लोग बोलते हैं जब बेटा होता है, जब माँ जाती है उसको पता चलता है कि बेटा है तो वो कितना खुश होती है, लेकिन उसी माँ को जब ये पता होता है कि बेटी होने वाली है उसको ऐसा लगता है कि इसे क्या हो गया। अरे माँ, मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ पब्लिक को कि तू भी तो किसी की बेटी थी, यदि वो बेटी आज तेरे साथ भी ये करे तो तू भी तो ये दुनिया नहीं देख पाती। तो बस एक छोटा सा संदेश यही है सर, जो मैं हर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ, हर लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा आप सर आप लोग का आशीर्वाद प्यार चाहिए। और इसके बाद जो है मैं दूसरा फिल्म बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, जिसका मैं यहाँ पे मुहूर्त भी करूँगा आज, जिस फिल्म का नाम है बोली और गोली। बहुत अच्छा जो है टाइटल लेके मैं एक और आने वाला हूँ, और इतना से आप मैं नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। पहले तो मनोज आर पांडे की ओर से आप सभी को दिल से प्रणाम। फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, और आरुषि फिल्म की डायरेक्टर है, मेरी ओर से दिल से बधाई है आरुषि को, राजेश को जो कि एक्ट किया है राजेश ने फिल्म में। ट्रेलर काफ़ी प्यारा है, फिल्म का टाइटल अच्छा है, गंगा समा गई सागर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ज़रूर कहूँगा भैया, अभी यहाँ भी देखिए लक्ष्मी अगर आ गई हो ना तो घर में लक्ष्मी आती है। अब अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार डायरेक्टर लेडीज़ हुई है तो इसका मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, यहाँ भी लक्ष्मी ने कदम रख दिया है। पहली फिल्म है मेरी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज कि मेरा सपना पूरा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि थोड़ा बहुत वर्ल्ड फेमस मैं भी हो जाऊँ। एंड आई एम सो हैप्पी। ओके, आप बहुत ही सुंदर हैं, और इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त क्या था, कैसा रहा आपका थॉट? बहुत अच्छा लगा मुझे, एक्चुअली सब आर्टिस्ट मुझसे बड़े हैं तो थोड़ा सा घबराहट होती है, बट एक्चुअली उन्होंने कहा है आरुषि की आप बहुत सुंदर हैं, और कैसा लगा आपको डायरेक्ट करते हैं? तो मैं बता दूं भाई, डायरेक्टर सुंदर होते हैं, बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जो सुंदर होते हैं, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर सुंदर ना हो। एक्चुअली अभी मेरी फिल्म आ रही है मच गिल गदर प्यार में, देवरा सुपरस्टार, धराजा परदेसी,
एक फिल्म आ रही है इश्क दीवाना, एक आ रही है अभी जल्दी शूट पर मैं निकलूँगा, फिल्म का नाम है अम्मा, जो कि पूरी तरह आपने एक फिल्म देखी होगी मराठी की श्वास जो ऑस्कर के लिए गई थी, तो ये अम्मा बिल्कुल वैसे ही कुछ फिल्म है, एक अलग फिल्म है, कहीं ना कहीं नेचुरल फिल्म है, ऐसा सिनेमा है कि हर इंसान ये ज़रूर कहेगा मेरे पैसे वसूल हैं। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, एक कहानी है जो आपको अपने आप से रिलेट कर देगी, आपको पसंद आएगी कहानी। एक और फिल्म मेरी आ रही है क्या कहते हैं रानी के साथ है, वो फिल्में कई हैं तो मैं भी भूल जा रहा हूँ फिल्मों के नाम। हमारी मूवी में ये वाली मूवी या कल्पना जी ने काम किया इसमें, अली खान जी एंड बाकी मनन तिवारी जी जिनकी 4-5 मूवियाँ हैं, बाकी राजेश जी ने फर्स्ट टाइम एक्ट किया है, उनको एक्टर बनने का भी शौक है। देन प्रोड्यूसर, वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है बट एक्टर भी वो उतने ही अच्छे हैं। और बाकी मूवी नेक्स्ट मंथ, मैं भी नेक्स्ट मंथ रिलीज। बहुत सुपर ट्रेलर लगा, बहुत सुपर हिट की फिल्म होगी मेरे बिहार की, मेरे छोटा भाई राजेश उपाध्याय की फिल्म है, मेरा छोटा भाई है। आप कुछ बताना चाहेंगे सर, किस तरह से इस फिल्म से? बहुत अच्छा ही लगा हमें, हमें तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आज यहाँ तक भैया का मूवी आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग और बहुत कष्ट से ये मूवी मतलब आज तक यहाँ तक पहुँची है। बहुत लोग हंसे हैं इनको कि तुम्हारा कुछ काम तुम नहीं किए हो, पैसा इधर उधर कर दिए हो, बहुत तरीक़ा से पापा पैसा इनको दिए हैं, लेकिन आज हमें लग गया कि नहीं भैया सही में काम किए थे। जो भी इनके बारे में इधर उधर बात फूट रहा था, हंस रहा था लोग, आज बहुत अच्छा लगा, आज बहुत हमें अच्छा लगा यहाँ पे आ कर के, क्योंकि भैया वो जब से पिक्चर में ही काम कर रहे हैं ना, बहुत लोग ही हंसा है। अब पिटाई तो किए थे पापा, उतना नहीं बोले थे कि तुमको पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक हम कुछ देखे ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आज पापा भी देखेंगे तो उनको ही मन में आया कि नहीं एक पिक्चर तुम कर लियो तो दूसरा का भी पैसा वही देंगे। पापा करते क्या? पापा तो मेरे पंडित जी हैं। पंडित जी? हाँ, हम लोग उपाध्याय करते हैं। हाँ हाँ, हम लोग उपाध्याय जी। हाँ वही, हाँ वही। उससे इतना हाँ, तो हम लोग के पास तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग, पैसा तो बहुत है हम लोग के पास, तभी तो आपको लगता है कि बिहार की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसमें वहाँ पे एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वल्गैरिटी, नो वल्गैरिटी, ऐसी फिल्में ऐसी गाने हो जिसमें वल्गैरिटी बिल्कुल ना हो, उसमें एक पहला कदम है ऐसा? यस, 100%। मैं इसे पहले भी बोला, 7-8 वर्षों बाद अगर फैमिली के लिए कोई मूवी बनी है तो ये पहली मूवी साबित होगी 7-8 साल बाद। राजेश उपाध्याय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म भी बहुत अच्छी लग रही है, जिस हिसाब से देखा जाए तो पारिवारिक फिल्म है ये और काफ़ी अच्छी फिल्म लग रही है, इसको जनता जरूर पसंद करेगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को, मेरे मीडिया गण को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आनंद मिश्रा। आज मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, गंगा समा गई सागर में, और सबसे बड़ी चीज़ लगी इस फिल्म के अंदर में ट्रेलर से ही मुझे कि ये पूरी पारिवारिक फिल्म है और एक नया दौर आ रहा है और भोजपुरी की एक और अच्छी शुरुआत भी हो रही है। सबसे पहले मैं राहुल सिंह, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इस फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही लाजवाब ट्रेलर है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो अश्लीलता का जो माहौल चल रहा है, ये इस फिल्म में साफ दिया कि पारिवारिक फिल्म, और मैं सबसे बड़ी बात की प्रोड्यूसर को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे राजेश उपाध्याय और फिल्म काफ़ी किरदार कर रहे हैं, और जो इनके डायरेक्टर हैं आयुष भाटी जी, सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पारिवारिक फिल्म बनाया, फैमिली फिल्म बनाया, जो लोग सभी फैमिली के साथ आगे देखें, मैं धन्यवाद देता हूँ।